भोपाल से अब तक सांसद रहे आलोक संजर ने कहा कि वे पिछले चुनाव में 3 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। अगर कांग्रेस दिग्विजय सिंह को भोपाल से चुनाव लड़वाती है तो बीजेपी 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतेगी। सांसद आलोक संजर का मानना है कि अगर कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारती है तो बीजेपी कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेगी। आलोक संजर ने कहा कि पिछले चुनाव 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। दिग्विजय के आने से ये चुनाव आसान हो जाएगा। संजय जी, लोकसभा चुनाव सांसद पद पर आप यहाँ पर अभी स्थापित हैं। कमलनाथ जी ने साफ शब्दों में कहा है कि दिग्विजय सिंह जी एक ऐसी चुनौती भरी सीट से लड़ें, चाहे वह भोपाल से लड़ें या ऐसी इंदौर से लड़ें, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकें। अगर भोपाल से दिग्विजय सिंह जी को टिकट मिलता है तब आपका क्या? उनको यदि टिकट मिलता है तो मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ और वो आए चुनाव लड़ें, और उसके बाद लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह जी भोपाल में चुनाव क्यों लड़ने आए थे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जीतेगी और जीतेगी, और हम सब मिलकर दिग्विजय सिंह जी की चुनौती को स्वीकार भी करते हैं और चुनौती भी देते हैं कि वो आए भोपाल से लड़ें और हम उनको जीत कर दिखाएंगे। हम मान लें कि दिग्विजय वर्सेस आलोक संजर, ये वही जो रामरुचिरा का जो भगवान को तय वो होगा, और यदि मेरे सामने भी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। क्या लगता है अगर दिग्विजय सामने में होंगे तो आपकी जीत? मैं आज तक कोई चुनाव नहीं हारा हूँ, छात्र संघ से लेके जितने भी चुनाव मैंने कठिन से कठिन चुनाव भी मैंने लड़े हैं, परमात्मा की कृपा रही कि मैं चुनाव जीता हूँ। ये दम्भ नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है कि सब मिलकर मुझे चुनाव जिताते हैं और ये चुनाव भी हम जीतेंगे। कितना डिफरेंस आएगा वोट? मैं कोशिश करूंगा कि पिछली बार 371 से जीता हूं, इस बार 4 लाख से जीतूं। संजय जी, दिग्विजय सिंह को खुली चुनौती दे रहे हैं कि पिछली बार 3 लाख से तो इस बार 4 लाख से अगर दिग्विजय सामने में होते हैं तो आलोक संजर की जीत निश्चित है और दुगने वोट से निश्चित है, मान के चले इस चीज को? निश्चित रूप से मैं आज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भोपाल में चुनाव जीतेगी, कमल खिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी कोई भी हो। आलोक संजर ने कहा कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी सब उसी को जितवाएंगे। आलोक संजर जी हमारे साथ हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लिस्ट जारी हो रही है चुनाव की, और संजर जी पहले से हमारे भोपाल के सांसद हैं। संजर जी, क्या लगता है कि आगे की टिकट की जो कार्यप्रणाली चल रही है, जो पैनल तैयार हुआ है, उसमें कई दावेदारियां हो रही हैं, तो कैसा माहौल है, आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि हर कार्यकर्ता की चाहत होती है और होनी भी चाहिए कि मैं भी चुनाव लड़ूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि बनूँ, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि बनने के बाद मान सम्मान मिलता है, हर कोई चाहता है कि मुझको मान सम्मान मिले, परमात्मा की कृपा रही कि मुझको मान सम्मान मिला है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मेरे पार्टी के नेतृत्व ने जब पिछला चुनाव में जब लड़ने के लिए गया था, संगठन ने जब मुझ पर विश्वास किया था, तब मैं चिंतित था कि मैं चुनाव लड़ूंगा कैसे। तब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, संगठन मंत्री जी ने, सब ने मुझको एक ही बात कही थी कि तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और तब से मेरे मन में ये बात भर कर गई कि मैं चुनाव नहीं जीता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। जो भी चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। जिताने वाला हमारा मतदान करके हमारा देवता स्वरूप कार्यकर्ता है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने कोशिश भर जो मेरा कार्यकाल रहा, मैंने कोशिश करी कि मैं कोई मेरे यहाँ से निराश ना जाए। बाकी संगठन जो भी निर्देश मुझको देगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूँगा, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। दुनिया देखेगी कि मैं काम करूँगा, चाहे मुझको टिकट मिले या किसी और को मिले। मेरा ये मानना है कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। पहले जैसा माहौल है? पहले आपको अचानक से बाहर लाया गया और आपसे कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इस वक्त अगर देखा जाए जो माहौल बना हुआ है, कई टुकड़े, कई फेस दिखाई दे रहे हैं जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, जरूर दावेदारी जरूर कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग दिख जरूर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही निर्णय हो जाएगा कुल मिलाकर सारी नदियाँ समुन्द्र बन जाएंगी और विशाल समुन्द्र खड़ा होगा। कोई हमारे भोपाल में हमको हरा नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और खिलेगा। मैं इसलिए इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ लगता है। भारतीय जनता पार्टी का भोपाल में जो इतिहास बना है वो इतिहास बना रहेगा, भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। संजय जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी। अभी कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें बी डी शर्मा जी का नाम है बीजेपी पार्टी से, सभी जानते हैं बी डी शर्मा जी को, लेकिन बाबूलाल गौर जी बोलते हैं कौन बी डी शर्मा, मैं नहीं जानता, ये कैसी राजनीति है?
नहीं वो तो एक्चुअली क्या होता है, जब कोई एकदम विशेष कोई चल रहा होता है उस समय आदमी का मूड कैसा होता है, लेकिन चाहे आदरणीय गौर जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य जितने भी अन्य दावेदार हैं, सभी लोग कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और ये पहले भी हुआ है कि हर कोई किसी न किसी की कोई पसंद होती है, लेकिन और लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हम सब हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बचाए रखने के लिए फिर सब लोग इकट्ठा होकर लगते हैं।